मैं आपको बता दूं, ऐसे कमेंट्री कर रहे हैं गाड़ी का ओनर है, ये मुझसे कहता है मैं कमेंट्री कर दूंगा, मेरे कुछ पैसे कम कर देना। पूरी जान लड़ा दी भैया ने, जो बेस्ट कर सकते थे बिल्कुल करके इसमें दिखा दिया क्या हालत में आई थी और क्या इसकी अब हो गई है, सही हो गई है, बढ़िया हो गई है, काबिले तारीफ था हमारा भैया। राम राम भाई सभी को। दोस्तों ये गाड़ी देखो, गाड़ी पंच है और ये क्या हो गया डिग्गी में, जब गाड़ी ठुकती है तो डेंट पड़ जाते हैं, ऐसे डेंट आपको दिख रहा होगा, डेंट देखो लैन की शेप पे है और लैन की शेप ख़राब हो गई है, कुछ लगे स्क्रैच, लैन का पूरा पता नहीं पड़ रहा है, लैन की शेप कहाँ थी कहाँ नहीं थी, एक शेप ये भी ख़राब हो गई है, यहाँ से थोड़ा पेंट फटने के चांस है क्योंकि लोहा काफ़ी गहराई में मुड़ा हुआ है, जब डेंट बाहर निकलेगा तो पेंट फट सकता है। एक डेंट यहाँ पड़ गया है साइड में और एक यहाँ पर साइड में, टाटा पंच की गाड़ी में दिक्कत होती है, डेंट सेंटर में पड़ता है और साइडों में डेंट अपने आप पड़ जाता है। यहाँ पे देखो आप नीचे से, यहाँ से कोने पर सा रंग पहले ही हट गया है और नीचे वाला पोर्शन देखो आप कितना हैवी होता है, ये बहुत हैवी होता है ये, और ये भी बैंड हो गया है पूरा। यहाँ पे नीचे देखिए आप, यहाँ पे सपोर्ट है, पेस्टिंग आ रही है यहाँ पे, ये पेस्टिंग सारी खोलनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी बाहर डेंट निकालने के लिए ऊपर वाला, और इस डेंट को निकालेंगे अमित भाई बिना पेंट ख़राब करे, काम देखना कैसे करने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम होता है अमित भाई के पास। जो लोग अपनी गाड़ी को जरा से डेंट लगने के बाद पेंट करा लेते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरी देखे, बड़े बड़े डेंट कैसे निकालते हैं अमित भाई ड्राई डेंट में, आपको पता पड़ जाएगा डेंट काफ़ी गंदा आई है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे डेंटों को पेंट करा लेते हैं और गाड़ी की जनरेटी ख़राब हो जाती है। बाकी जो गाड़ी के ओनर है उनसे मिलाते हैं आप, ये गाड़ी का ओनर है भाई साहब। भैया गाड़ी आपकी नहीं है? हाँ भैया। गाड़ी कैसे लगी थी आपकी? बैक कर रहा था पीछे खंभे में लग गई। अच्छा खंभे में देखा हमारी आपने? हमारे लिए? आपके लिए। कहाँ ढूंढा आपने हमें? ये यूट्यूब पे। अच्छा देखा था आपने? कहाँ से आए हो? मैं मोदी नगर से। मोदी नगर से आए हो? कितने किलोमीटर पड़ गया रास्ता आपको? मुझे करीब 80 किलोमीटर पड़ गया। एक साइड का दो साइड का? एक तरफ का। 80 आया, 80 जाऊंगा। आने में कितना टाइम लग गया? करीब करीब ढाई घंटा। ढाई घंटा लग गया आपको आने में? आज कांवर वैसे चल रहे हैं। अच्छा उसकी वजह से रास्ते ब्लॉक है। चलो काम आपका बढ़िया कर देंगे भैया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाकी भैया गाड़ी यहाँ खड़ी है पंच, ये गाड़ी मिल भैया की है। भैया गाड़ी कैसे लगी आपकी? भाई रेड लाइट में खड़ी थी, पीछे से आके किसी ने दे मारी। किसने? कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से आया हूँ। पानीपत से आए हो? तो अभी इनका काम देखते हैं गाड़ी का। ये खड़ी वैगनार, ये खड़ी भैया गाड़ी की है, आपको कितना पड़ेगा किलोमीटर? मेरे को करीब 45 के आसपास। पीछे से वही रेड लाइट पे भैया कितने डिग्गी में टच कर दिया? डिग्गी में? हाँ डिग्गी में। ये भी डिग्गी में, वो भी डिग्गी में और ये भी डिग्गी में, भाई तीन गाड़ी आई है, तीनों डिग्गी में, दो पंचर एक वैगनार है। काम देखते हैं गाड़ी में कितना काम है वैगनार में और टाटा पंच में। फोटो भेज दीजिए। कोई बात नहीं। तो भाई एक डेंट ये निकालना है, गेट पे डेंट पड़ा हुआ है, डेंट आपको दिख रहा होगा काफ़ी, गाड़ी गंदी हो रही है ये, यहाँ पर डेंट पड़ा हुआ है एक, और भाई एक डेंट पड़ा हुआ है डिग्गी में, डिग्गी का डेंट देखो आप, मोनोग्राम पर डेंट आ गया है और नीचे से कोना मुड़ गया है, पेंट भी ख़राब हो गया है, डेंट काफ़ी गहराई में है, इसके मोनोग्राम के वर्ड निकालने पड़ सकते हैं, एक पी और एक यू और एक एच, क्योंकि डेंट पड़े हुए हैं मोनोग्राम के नीचे, जब डेंट निकलेंगे तो ये निकालने पड़ सकते हैं तुरपाई करने के लिए। बाकी लैंग की शेप इसकी भी ख़राब हो गई है और डेंट आपको दिख रहा होगा, पानीपत से आया भाई साहब ये, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं काम कराने के लिए अमित भाई के पास, किस लिए? ताकि उनका काम बढ़िया हो जाए। बाकी एक भाई साहब ये है वैगनार गाड़ी के जो ओनर है, इसमें भी डिग्गी में डेंट पड़ गया है और लैंग की शेप ख़राब हो गई है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से शेप ख़राब हो गई है और डेंट काफ़ी गहराई में लगा हुआ है वैगनार गाड़ी का भी। इस गाड़ी का भी डेंट निकालेंगे ड्राई डेंट में, तीनों गाड़ी के डेंट निकालेंगे और बिना पेंट ख़राब करें। दोस्तों काम देखना कैसा होगा सारा, बहुत बढ़िया काम होता है। अगर डेंट पड़े आपकी गाड़ी में तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। ये जो गाड़ी का ओनर है गुड़गांव से आया, सेक्टर 51 से, और काम करेंगे बढ़िया। बाकी जो गाड़ी पंच चाहिए, इसमें थोड़ा पेंट भी बैठ गया नीचे से, आपको दिख रहा होगा, डेंट निकाल देंगे बहुत बढ़िया तीनों गाड़ी के, और काम देखोगे आप बता नहीं पाओगे डेंट कैसा पड़ा हुआ था। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो लो भाई डेंट भी निकाल दिया है, मोटा मोटा डेंट निकाल दिया है 50%, आपको दिख रहा होगा। बाकी जो डेंट रह गया है, जब डेंट की तुरपाई होगी वो सारा डेंट एक लेवल हो जाएगा और डेंट की शेप ऐसी बन जाएगी, आप देखना काम को, वीडियो उसकी मत करना। जो नीचे वाला पोर्शन ये बैंड हो गया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ये भी ठीक कर दिया है मोटा मोटा, बाकी काम करेंगे बाद में, वीडियो उसकी मत करना, काम देखना कैसा होगा।
जो पेस्टिंग लगी हुई थी डिग्गी के अंदर सारी सफा कर दी है। और यहाँ पे जो डेंट नीचे वाला है यहाँ पे पेस्टिंग आ रखी है, जगह बंद है। यहाँ भी काम जितना बढ़िया होगा काम उतना बढ़िया करेंगे। इसमें अमित भाई और काम शुरू कर दिया है, बिना पैंट खराब करे डेंट निकाले जाते हैं अमित भाई के पास। अगर डेंट पड़े हुए आपकी गाड़ी में तो आप भी आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में अमित भाई का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऊपर देखोगे कोने पे तो आपको ऊपर भी नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो अमित भाई को कभी भी, और अपनी गाड़ी के डेंट के बारे में पता कर सकते हो। डेंट की फ़ोटो व्हाट्सअप कर दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जब भी आओ अमित भाई के पास काम कराने के लिए तो भाई आने से पहले एक बार फ़ोन कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई डेंट काट दूंगा बढ़िया जी भैया। डेंट निकालना शुरू कर दिया है, आपकी जादूगरी है इसीलिए डेंट निकालना शुरू कर दिया है। हाँ। डेंट काट दिया 60%, 40 रह गया है, तो थोड़ा पैंट फट गया यहाँ से। हाँ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा पैंट फट गया है। जब डेंट उठाया था मोटा मोटा पैंट तभी फट गया था इसका, तो पैंट हटा है बस ही हटेगा और कोई पैंट नहीं हटेगा। डेंट गला है बहुत बढ़िया जी जी जी। देखना आप काम देख के बोलोगे तो भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं अमित भाई ने। बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बिल्कुल भैया, जो भी वीडियो देखे जरूर शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करें। और कोई ऐसा डेंट कुछ ऐसा किसी की गाड़ी में दिक्कत हो जाए तो आए और एक बार आजमाए भैया को, शिकायत का पे जाके टाइम वेस्ट ना करें। हम बिल्कुल, सब ढूंढ ढांड के आए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसे कमेंट्री कर रहे हैं गाड़ी का ओनर है, ये मुझसे कहते हैं कमेंट्री कर दूंगा, मेरे कुछ पैसे कम कर देना। पैसे पैसे पूरे लूंगा, पैसे कमेंट्री करो मैं पूरे दूंगा भैया। 100 रुपए बढ़ जाएंगे, 10 रुपए कम हो जाएंगे। आपकी जादूगरी देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, वही दिखा दो भाई। लोग अपना समय ना वेस्ट करना कहीं इधर उधर जाके, ना किसी से छिड़वाना, एक बार छिड़ने के बाद में काम खराब हो जाता है। जो काम उस्ताद के हाथ में आकर के बनता है ना वो कहीं और नहीं बन सकता। तो अपना टाइम से पहुंच जाओ, अपना करवाओ, जो भी समस्या हो उसका समाधान सीधा इधर ही आना लेकर के। भैया मेहनत पूरी करते हैं, शिकायत नहीं देते हैं आगे तक की। भैया का खंभा तोड़ने का प्लान था लेकिन खंभे भी पुराना घी खा रहा था, टूटा नहीं था। सही बात है, मेहनत पूरी है भैया इसमें। डेंट निकाल दिया ऊपर का मोटा मोटा, अब डेंट निकालूंगा नीचे वाला, जो डेंट ऊपर वाला है इसकी तुलाई करूंगा बाद में। ठीक है, ठीक है भैया। लंच कर लिया भैया? लंच भी नहीं किया अभी है, खाना नहीं खाया, अब इसे करके खाओगे ये? खाना चाहो तो खा लो बीच में। भाई लेने की शेप ऐसी बना दूंगा, पता नहीं पाओगे शेप कहाँ से खराब हुई थी। सही बात है, उम्मीद भैया ऐसी है। अभी यहाँ पहुँचे हैं कि इसमें नया जैसा तो नहीं लेकिन नए के आसपास, नए के बराबर तो पहुँच ही जाएंगे। वो चमत्कारी टूल है जिसके मदद से भैया अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। देखिए फोकस देखिए उनका कितना है। ये भैया दूसरी जो पंच लेके आए हैं वो भी आ गए मदद करने के लिए। वो ये है, ये भी तैयार है।
और ये भैया दूसरी पंच का काम कर हो रहा है। डेंट ये भी निकाल दिया है, डेंट पहले सारा काट दूंगा, आपको दिखाऊंगा बाद में, आप तो पहले भाग जाओगे वीडियो सीख करके, आपको एंड में दिखाऊंगा काम कैसा होगा इसका। वही डेंट सारा निकल गया है, काम देखना अभी सफा करूंगा उसको, उसका काम देखना कैसा होगा। जो लेन की शेप खराब हो गई थी बहुत बढ़िया बन गई है जी जी। और जो पैंट आपको पहले दिखाया था, पैंट निकाल डेंट निकालते वक्त पैंट फट गया था, बस वही पैंट हटाए, उसके अलावा कोई पैंट नहीं हटाए। जिस हिसाब से डिग्गी लगी हुई थी, काम इतना बढ़िया कर दिया ना, अब काम देखना दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक कर दो सारे भाई। बिल्कुल गया है, कपड़ा मार के काम दिखाते भी आपको। टेंट देखो ऐसा पड़ा हुआ था, इसमें इतना बड़ा काम था इसमें, और अब काम देखो आप। तो भाई काम देखो मेरे भाइयों, काम इतना बढ़िया कर दिया है, टेंट लाजवाब निकाल दिया है भाई। लाइन की शेप बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रही कहाँ से खराब हुई थी, बहुत बढ़िया टेंट निकाला है भाई, बहुत बढ़िया काम किया है अमित भाई ने। जो पैंट पहले ही फट गया था टेंट निकालते वक्त, जो बताया था अमित भाई ने कि वहाँ से पैंट थोड़ा हट सकता है, बस वही हटा है। और ये शेप आप देख रहे हो, इतनी शेप पूरी अंदर बैठ गई थी, निशान भी आया हुआ जब लगी थी गाड़ी, और बहुत बढ़िया काम कर दिया है। बस ये पैंट थोड़ा हटा हुआ था पहले, इस पर पैंट लगा देंगे, कलम कर देंगे इस पर। और काम देखो दोस्तों आप, जो नीचे की लाइन की शेप है बहुत बढ़िया बन गई है, और ऊपर की देखो आप, पता ही नहीं पड़ रहा भाई शेप कहाँ से ख़राब हुई थी। शेप पर से कोई पैंट नहीं हटा है, जो यहाँ पर डेंट पड़ा हुआ था कोने पर बीच में, ये भी बढ़िया निकल गया है। ये डेंट सपोर्ट के ऊपर था, यहाँ से आप देखो यहाँ पर सपोर्ट आपको दिख रही होगी, काफ़ी हैवी सपोर्ट होती है ये डेंट इसी के ऊपर था, तब भी बहुत बढ़िया निकाल दिया है। ये देखो ये भी बढ़िया कर दिया, तुरपाई कर दिया इसकी भी, और पता नहीं पड़ रहा भाई कहाँ पर डेंट पड़ा हुआ था। बहुत बढ़िया काम होता भाई अमित भाई के पास, अगर डेंट पड़े आपकी गाड़ी में, अगर आप भी अमित भाई से अपनी गाड़ी का काम कराना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा अमित भाई का, और मिल जाएगा एड्रेस, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो अपनी गाड़ी के डेंट के बारे में, और आ सकते हो अमित भाई के पास। बहुत बढ़िया काम होता है, काम आपने देख लिया होगा, बाकी जो गाड़ी को ले रहा है उनसे पूछते हैं काम कैसा लगा उनको। बाकी अभी ये गाड़ी कौन है जो काम कराना है हमारे पास, भाई साहब गाड़ी का काम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, पूरी जान लड़ा दी भैया ने,
जो बेस्ट कर सकते थे बिल्कुल करके इसमें दिखा दिया, क्या हालत में आई थी और क्या इसकी अब हो गई है, सही हो गई है, बढ़िया हो गई है, काबिले तारीफ था हमें भैया। और गाड़ी बहुत बुरी हालत में आई थी, अभी देखो कितनी अच्छी भैया ने जादू ही कर दिया है इस पर, काफ़ी मेहनत करी, 2 घंटे से लगे पड़े हैं बिल्कुल नॉन स्टॉप, खाना भी नहीं खाया, बहुत बढ़िया काम करके दिया है और बहुत ही बेस्ट काम करके दिया भैया ने। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा भैया, जब भी आप कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसें कि आपका इस तरह से डेंट वगैरह आ जाए गाड़ी में, तो भैया के पास लेकर आएँ और इनके हाथों का जादू देखें किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से वो डेंट को सीधा करके आपकी गाड़ी का डेंट निकाल के देंगे आपको। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें भैया की वीडियो को, यही कहूँगा मैं। और कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसें लेकर आएँ भैया के पास। ओके भैया, थैंक यू। तो भाई दोस्तों, काम आपने देख लिया होगा कितना बढ़िया काम कर दिया है, जो डेंट पड़ा हुआ था इतना गंदा, पूरा खंभे में लगी थी गाड़ी बैक करते वक्त और खंभा वैसा तोड़ दिया, खंभा भी गिर गया है और डेंट हमने काट दिया, बहुत बढ़िया इसका। भाई ऐसे डेंट अगर पड़े हुए आपकी गाड़ी में, चाहे कैसा भी डेंट हो, एक बार डेंट पेंट कराने से पहले डेंट की फोटो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दे, मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, मैं आपको बता दूंगा कि वो डेंट ड्राई में होगा या नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो आपको बुला लूँगा, वे सस्ते में बढ़िया काम कर देंगे आपका हाथों हाथ। अगर आप डिग्गी को पेंट कराते तो लगा दो कम से कम 2 दिन लगते और जो डिग्गी जलवटी ख़राब हो जाती, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती। वही डेंट मैंने बिना पेंट खराब करे निकाल दिया, वो भी कुछ ही घंटों में, और काम करते हैं बहुत बढ़िया। दोस्तों काम आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। पेंट लाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा?